नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पर खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रतलाम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यात्री ट्रेन में भीषण आग लग गई है। स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल है, आग बुझाने की कोशिश जारी है। रतलाम रेल मंडल के जयकोट स्टेशन की घटना है। रतलाम रेल मंडल के जयकोट स्टेशन पर दोपहर में मेमू ट्रेन में भीषण आग लगना बताया जा रहा है। लोगों में दहशत है। आग लगने के समय सभी यात्रियों को बोगी से बाहर निकाल लिया गया था, वरना बड़ा घटनाक्रम हो सकता था, बड़ी जनहानि हो सकती थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आग अन्य डिब्बों तक ना पहुंचे, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। घटना करीब 2 PM की ही बताई जा रही है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। मेमो ट्रेन जिसमें आग लगना बताया जा रहा है, जयकोट स्टेशन पर ये आग लगी है। रतलाम रेल मंडल का जयकोट स्टेशन, जहां ट्रेन में आग लगी। संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, कैसे हुआ यह हादसा? प्रशासन इस पर क्या जवाब दे रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये रतलाम से दाहोद जयकोट स्टेशन की घटना बताई जा रही है। पूरी मेमो ट्रेन में शुक्रवार दोपहर को आग लग गई है। आग किस कारण से लगी, यह अभी पूरा खुलासा नहीं हो पाया है। पूरे जिम्मेदार अधिकारी रेलवे विभाग वहां मौके पर पहुंच गया है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं मैं बता जाऊं, फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची है। अफरा तफरी का माहौल है और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये आग लगी है, बताया जा रहा है किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। लोगों को यहाँ जो यात्री थे उनको उतार लिया गया। बहुत शुक्रिया राहुल जानकारी देने के लिए। तो तमाम यात्रियों को समय रहते गाड़ी से बाहर उतार लिया गया था, किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। और ये भी फायर ब्रिगेड की तरफ से कोशिश की गई कि और डब्बों तक ये आग ना फैले।